नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। अब हम बात करेंगे किस तरह से कोई भी सैंपल हम चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मान लीजिए आपने एक बीट बनाई और जगह जगह इंटरवल्स पे आपने स्नेयर या किक लगाए, लेकिन बाद में वो किक या स्नेयर या कोई भी और सैंपल आपको पसंद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई सैंपल उठाएंगे और बार बार इस टाइमिंग पे, इस इंटरवल पे आप बार बार लगाएंगे। नहीं, आप रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ एक जगह या फिर सभी के सभी एक ही साथ, बहुत ही आसानी के साथ। सबसे पहले हम ये बीट सुनते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं कि ये स्नेयर चेंज हो जाए, मुझे नहीं जच रही, तो मैं क्या करूंगा? बहुत ही आसान, किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल, आप कोई भी केक, स्नेयर, कोई भी सैंपल पैक यूज कर सकते हैं। ये मेरा सैंपल पैक है देव नेक्स्ट लेवल ड्रम्स। आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके devnextlevel.in वहां चेक कर सकते हैं। चलिए हम यहां से जाते हैं स्नेयर। यहां पर काफी सारी स्नेयर है, मैं चलिए ये वाली स्नेयर लेता हूं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और कहीं भी रख दूंगा, वो चेंज हो जाएगा, बहुत आसान। लेकिन अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूं, विंडोज ओएस वाले ऑल्ट प्रेस करेंगे और मैक ओएस वाले ऑप्शन, ये देखिएगा मैंने इसके ऊपर लेकर गया, लेकिन जैसे ही ऑल्ट प्रेस किया, ये देखिए मैं इसके ऊपर लेकर आता हूं, सभी के सभी हाईलाइट हो जाते हैं। चाहे मैं किक के ऊपर लेके जाऊं तो देखिए सभी किक हाईलाइट हो गई, यानी कि ये जो मेरा देव नेक्स्ट लेवल बूम बैप स्नेयर है वो किक के साथ रिप्लेस हो जाएगा, जहां जहां भी पूरे प्रोजेक्ट में वो किक लगी है। मैं स्नेयर चाहता हूं, मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ है और यहां गया। अगर मैं ऑल्ट प्रेस नहीं करता, मैंने छोड़ दिया है, ये देखिए ये अब कहीं भी एक जगह पर आ जाएगा, पर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूं और इसके ऊपर ले जाता हूं, ये छोड़ा, बहुत आसानी के साथ रिप्लेस हो गया। सुनते हैं। नाइस, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते।